आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, तीन स्प्रिंग है, हमने स्प्रिंग और मास सिस्टम तो किया, हमने ये किया कि अगर एक स्प्रिंग है, एक मास है, हॉरिजॉन्टल मोशन में है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/k। अगर एक स्प्रिंग है, नीचे मास है और वर्टिकल मोशन में है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/k। हमने ये किया कि अगर एक के बाद एक स्प्रिंग है और मास है, तो दो स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, फिर दो की जगह एक स्प्रिंग लगाएंगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, फिर फॉर्मूला लगाएंगे T=2π√m/k, आंसर आएगा। फिर हमने ये भी किया अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकलेगा और फिर टाइम पीरियड आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, तीन स्प्रिंग्स ना तो सीरीज में है, एक के बाद एक नहीं है, ना ही ये पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल में ऐसा दिखता ही नहीं है डायग्राम, ना ये सीरीज है ना ये पैरेलल है, और यहां पॉइंट मास लगा हुआ कितना, एम। तो ये स्प्रिंग यहां बांध दिया, ये स्प्रिंग यहां बांध दिया, ये स्प्रिंग यहां बांध दिया, और ये पॉइंट मास है एम। मैंने इस पॉइंट मास को हिला दिया, थोड़ा नीचे कर दिया और छोड़ दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही नीचे किया ये स्प्रिंग भी खिंच गए, लंबे हो गए, ये कंप्रेस हो गया, वर्टिकल स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, ये वाले स्प्रिंग एक्सपैंड हो गए, छोड़ दिया। तो अब ये SHM में होगा, प्रूव करो SHM में होगा, और इसका टाइम पीरियड बोलो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, एक कॉमन मिस्टेक, अगर सपोज करो इस मास को मैंने नीचे y डिस्प्लेस किया, इस मास को मैं नीचे y लेके आया, यानी कि कंप्रेस हो गया, तो ये जो दो स्प्रिंग है वो कितने एक्सपैंड होंगे बाय अ डिस्टेंस ऑफ y एंड y, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं। अगर ये डायग्राम ऐसा होता कि अगर सपोज एक स्प्रिंग है और इसके बाद एक और स्प्रिंग है और ये मास m है, हाँ, अगर मैं ये बोलता अगर मैं इसको y डिस्प्लेस किया तो ये भी y डिस्प्लेस है और ये भी y, हाँ ये सही है, y और y सही है, क्लियर है यहां तक। लेकिन इसके अंदर ऐसा होगा नहीं, इसके अंदर क्या होगा, ये दो स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगी। चलो देखते हैं क्या होगी। सबसे पहले मान लो इस मास को मैं नीचे ले गया वाई, तो ये डायग्राम मैंने यहां बना लिया, नीचे ले गया वाई, तो वाई इसकी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वाई नीचे ले गया, ये दो साइड के स्प्रिंग्स हैं, ये एक स्प्रिंग है और मान लो ये दूसरा स्प्रिंग है, तो ये जो स्प्रिंग है ये कितना एक्सपैंड हुआ, इस वाई के कॉम्पोनेंट ड्रॉ कर लो, 45 45 वर्टिकल ऑपोजिट, तो इसका कॉम्पोनेंट इस तरफ क्या आएगा, वाई कॉस 45, तो ये साइड वाला स्प्रिंग यहां से कितना एक्सपैंड होगा, y into cos of कितना 45। सिमिलरली इस y का एक कंपोनेंट यहां भी आएगा, यानी कि ये स्प्रिंग भी का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट यहां पर आएगा, y into cos of कितना 45। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो रूल नंबर वन, अगर ये स्प्रिंग y डिस्प्लेस हुआ, कंप्रेस हुआ, तो ये स्प्रिंग कितना एक्सपैंड हुआ, y cos 45, और ये स्प्रिंग कितना एक्सपैंड हुआ, y cos 45। ये रूल पहला क्लियर है, हमने वेक्टर से इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए डिस्प्लेसमेंट के, कोई डाउट इसमें? ठीक, ठीक। तो ये तो एक रूल है, दूसरा ये हमने वाई क्या किया, कंप्रेस नीचे, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां होगी इसकी, ऊपर, तो ऊपर कितनी, एफ ए, मान लो एफ ए, ये स्प्रिंग कहां गया, एक्सपैंड हुआ इधर, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां है, इधर, ये स्प्रिंग कहां एक्सपैंड हुआ, इधर, रिस्टोरिंग फोर्स कहां है, इधर, क्लियर है यहां तक? ठीक हो गया, डायरेक्शंस क्लियर है फोर्सेस की। अब ये बताओ कि फोर्स की वैल्यू इसमें क्या होगी, के इंटू वाई, क्लियर है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, इस स्प्रिंग में इसकी डिस्प्लेसमेंट वाई है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, के वाई, रूल नंबर वन क्लियर। नेक्स्ट, इसके अंदर जो फोर्स है इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, y cos 45, तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, k into y into cos of 45, f भी आ गया। सिमिलरली इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, y cos 45, तो इसके अंदर फोर्स क्या है, k into y into कितना, cos of 45। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि fc और fv का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम, वैसे भी सिमेट्री में है, सेम, सही। और लास्ट स्टेप, ये एफ बी है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एफ बी कॉस 45, एक एफ बी साइन 45,
उसी तरीके से ये एफ सी है, इसका एक कॉम्पोनेंट एफ सी कॉस 45 और एक एफ सी साइन 45, पर क्योंकि एफ बी और एफ सी का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये वेक्टर आपस में क्या हो गए, कैंसल, तो ये मास ऐसे हिलेगा नहीं हॉरिजॉन्टल, तो कैसे हिलेगा, वर्टिकल। अब कुल मिला के कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही है मास पे, दो तो ये कर रही है और एक ये कर रही है, क्या पॉइंट क्लियर है, बाकी दो वेक्टर आपस में क्या कर गए, कैंसल, और ये सारी फोर्सेस कहां एक्ट कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड। तो इस केस में नेट फोर्स क्या होगी वाई एक्सिस में, नेगेटिव साइन रिस्टोरिंग फोर्स है, एक क्या होगी एफ ए और एक क्या होगी एफ बी कॉस 45, एक क्या होगी एफ सी कॉस 45, तो तीनों स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्सेज आ गई, हॉरिजॉन्टल लेंगे नहीं वर्टिकल ले ली। अब एफ ए क्या बताया था, के वाई, एफ बी क्या बताया, के इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, बी की वाई कॉस 45, एफ सी में के इंटू वाई कॉस 45, कॉस 45 वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू टू वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू टू सॉल्व करके ये आंसर आ गया, फोर्स क्या है उस स्मॉल मास के ऊपर एम ए, तो ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई, एक्सेलेरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, कंपेयर करेंगे तो किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की, ओमेगा 2 पाई बाय टी, चाहो तो टाइम पीरियड निकाल लो, ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है कैसे, अब देखो इसमें आप ये कहो मैं पेपर में देख लूंगा, नहीं पेपर में क्या देखो, प्रैक्टिस है, तो अगर आपने देख रखा है आपको पता है कि अब आपको वाई के भी कॉम्पोनेंट्स लेने हैं और फोर्स के भी कॉम्पोनेंट्स लेने हैं बिकॉज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें करना है, नॉट फॉर एनसीईआरटी, कॉम्पिटिशन के लिए है सिर्फ, ठीक है यहाँ तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो इसे। देखो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज का जवाब दो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत आता है कि अगर सपोज करो जैसे एक मास m1 है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसकी मीन पोजीशन है, ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, इसके ऊपर एक और मास रख दिया m2, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, अगर मैं बहुत तेज 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 मूव करवाऊंगा तो मुझे डर है कि m ऑफ 2 कहीं गिर ना जाए, गिरेगा गिरेगा, बहुत तेज मूव कराओगे गिरेगा गिरेगा, तो पॉइंट नंबर वन, आपने चलो बहुत तेज मूव करवा दिया, M2 की बारी आ गई, ये नीचे गिरेगा गिरेगा, कहां पर ऐसी पोजीशन बताओ, कौन सी ऐसी पोजीशन है जब ये गिरेगा मीन पे कि एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे, ऐसा क्यों मीन पे क्यों नहीं, भाई मीन पे वेलोसिटी तो मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होती है जीरो, फिर तेज आता है तेज आता है तेज आता है मास और एकदम वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होती है, मीन पे, फिर एकदम रेस्ट पे आ जाता है, तो कहां गिरेगा, एट मीन पोजीशन कि नहीं एक्सट्रीम, ऐसा क्यों एक्सट्रीम क्यों, एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, ओके। देखो पहली बात, रूल नंबर वन, ये मास m2 गिरेगा क्यों, हाँ
इनर्शिया या सूडो फोर्स, इनर्शिया की वजह से जो फोर्स है उसको सूडो फोर्स बोलते हैं। तो जब ये मास m1 इधर से वापस आएगा तो एक्सेलरेशन इस तरफ है m1 की, तो m2 पे सूडो फोर्स कहां लगेगी, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर m1 इधर आ रहा है तो m2 पीछे एक्सपीरियंस फोर्स करेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो सूडो फोर्स को नीचे गिर देगी। कौन बचाएगा इनके बीच में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो बचा लेगी अगर नहीं गिरना तो, पर सूडो फोर्स क्लियर है यहां तक। अब मुझे एक चीज का आंसर दो, और ये इंपॉर्टेंट भी है जो मैं बताने जा रहा हूं, वो ये कि अगर आपके पास कोई भी पेंडुलम है, चलो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम की कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, कितनी, ए ओमेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये क्लियर है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहां पर वाई की वैल्यू क्या होती है, ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए, और जो कि क्या होती है, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए। और ऐसे यहां पर वाई की वैल्यू यहां पर भी क्या है, ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी यहां पर, मैक्सिमम, कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर ए। कोई डाउट इसमें, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ओमेगा स्क्वायर ए, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो कहां पर होती है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सेलरेशन जीरो कहां पर होती है, एट मीन पोजीशन। कोई डाउट इसमें, याद रहेगा रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर यही कॉन्सेप्ट किसी भी एसएचएम में चलता है तो स्प्रिंग मास सिस्टम में भी तो चलता ही होगा। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में ये मास, मान लो ये कौन सी पोजीशन है इसकी, मीन पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है इसकी, एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम ए ओमेगा, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, सेम रूल है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर क्या है, जीरो, और यहां पर क्या है, मैक्सिमम। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, सही है। अब सोचो जब ये मास यहां पर है, यहां पर है, मान लो ये मास m1 है, एक्सट्रीम पोजीशन में रुक गया, अब इसको कहां आना है, इस तरफ आना है, रुका और फिर ऐसे मूव करेगा, है ना, मेरी तरफ। तो इसकी जो एक्सेलरेशन है इधर आने की वो क्या होगी, मैक्सिमम। अब सपोज करो इसके ऊपर आपने एक और मास रख दिया m2, तो जब m1 की एक्सेलरेशन लेफ्ट मैक्स है तो m2 के ऊपर सूडो फोर्स कहां लगेगी, राइट, और कितनी लगेगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम सूडो फोर्सेस कहां लगती है, एट एक्सट्रीम पोजीशन। मेन पोजीशन के ऊपर जो सूडो फोर्स है वो जीरो होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन वहां पर जीरो होती है। तो इसलिए m2 का m1 से सेपरेट होने का चांस कहां पर है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पे तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वेलोसिटी मैक्स है तो भी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है यहां तक, ठीक। तो ये देखो यही रूल इसमें लगाया कि m1 एक्सट्रीम पे आ गया तो डायग्राम अलग बना दिया एक्सट्रीम का, तो m1 नीचे एक्सट्रीम पे आया। अब m1 को एक्सट्रीम से कहां जाना है, इधर जाना है। आपको क्या निकालना है, आपको इसमें ओमेगा निकालना है ताकि ये सेपरेट ना हो। रादर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैक्सिमम ओमेगा ने बताओ क्या होगा इसमें, ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम, कि अगर आपने इससे ज्यादा ओमेगा कर दिया, तेज कर दिया इसे या स्लो कर दिया तो ये गिर जाएगा m2, पर आपको तो गिरना नहीं है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है। तो इसमें अगर ये m1 एक्सट्रीम पे आएगा, एक्सट्रीम पे आ चुका है, इसके ऊपर जो m2 पड़ा होगा, अब m1 को कहां जाना है, इस तरफ जाना है, और इस तरफ एक्सट्रीम पर उसके पास एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम, और इसके ऊपर जो m2 पड़ा होगा उसके ऊपर सूडो फोर्स कहां लगेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। तो ये कहां पर है, जो m1 है वो कहां जा रहा है, इधर, तो सूडो फोर्स कहां एक्सपीरियंस करेगा, m2 लेफ्ट। तो ये डायग्राम यहां नहीं बनाना, यहां बना लो, एक ही बात है, ये देखो। तो जब m1 यहां पे आएगा तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, यहां पर मैक्स। तो जो m2 है उसको सूडो फोर्स कहां मिलेगी, इस तरफ, कितनी, m2 into a मैक्स, सेम डायग्राम है। तो लेकिन मेरे को सेपरेट नहीं करना, तो सेपरेट नहीं करना तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इस केस में जो सूडो फोर्स की वैल्यू इतनी है, और कौन बचाएगा इनको सेपरेट होने से, फ्रिक्शन। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सूडो फोर्स से बड़ी हो जाए, इक्वल टू हो जाए, तो m2 m1 से सेपरेट
नहीं होगा, फ्रिक्शन बड़ी होनी चाहिए, बस यही रूल है इसका। ये देखो, अगर सेपरेशन नहीं चाहते तो यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन एम टू जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, एम टू इंटू ए मैक्स, राइट। तो यहां से ए मैक्स कितना है, ए ओमेगा स्क्वायर, एम टू से एम टू कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहां से ओमेगा आ गया। अब ओमेगा की वैल्यू इससे लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाय ए है, तो यानी कि जैसे मैं सिखाता था ना कि अगर मेरे मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 है तो मेरे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 है, इससे तो कम ही रहेंगे, मैक्सिमम 100 है। उसी तरीके से अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू इसके इक्वल है तो ओमेगा मैक्स क्या होगा, अंडर रूट ऑफ कितना, म्यू जी बाय ए, ओमेगा मैक्स होगा। पॉइंट समझ में आया कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने, क्लियर है? तो ये टेक्निक है सोचने की जो ऑब्जेक्टिव के अंदर काम आएगी, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ मास है, आसान है यार, स्प्रिंग मास सिस्टम में वर्टिकल में है, टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/k, सिंपल। पर एक प्रॉब्लम है, कुछ मास लिक्विड में डाल दिया, कुछ हवा में है, कुछ लिक्विड में है, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, और ये अच्छा वाला तैर रहा था, यहां पे तैर रहा है, मैंने जबरदस्ती नीचे खींच लिया बाय अ डिस्टेंस ऑफ x, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कितनी प्रोड्यूस करवाई, x, और छोड़ दिया। अभी SHM में होगा, इसका टाइम पीरियड निकालो। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको, अगर ये वाटर ना होता तो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें स्प्रिंग की फोर्स तो होनी थी। अब हुआ क्या, आपने इसको खींचा तो कितना खींचा, x, तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई, x, तो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की कितनी है, माइनस kx, एंड लिक्विड क्या लगा रहा है, अप थ्रस्ट, और कितने पोर्शन पे, एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट। देखो तैर तो पहले भी रही थी पर आपने जबरदस्ती इसको x नीचे किया, तो x पोर्शन जो आपने नीचे किया उतना जो अप थ्रस्ट है वो रिस्टोरिंग फोर्स है ना। वैसे तो तैर ही रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो इक्विलिब्रियम में थी, पूरा सिस्टम था, पर आपने इक्विलिब्रियम कैसे खराब किया जब उसको x नीचे किया। तो x नीचे किया तो फटाफट पानी ने ऊपर फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई पानी ने, जो आपने जबरदस्ती x खींचा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि माइनस के एक्स तो स्प्रिंग की फोर्स होगी होगी, साथ में एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट ड्यू टू पोर्शन x। तो x पोर्शन का अप थ्रस्ट क्या होगा, इतने पोर्शन का वॉल्यूम जो कि कितना है, एरिया इंटू x इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g, क्यों अप थ्रस्ट में डेंसिटी ऑफ लिक्विड यूज करते हैं। तो ये टर्म आ गई फोर्स के, मास इंटू एक्सेलेरेशन, सॉल्व करके एक्सेलेरेशन आ गई, एक्सेलेरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x, कंपेयर करके ओमेगा आ गया, ओमेगा 2π/T, टाइम पीरियड आ गया। बस रिस्टोरिंग फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, माइनस के एक्स तो होगी होगी, आप जब स्प्रिंग को नीचे खींचोगे बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स, पर यहां पर एक्स्ट्रा क्या लग गया, अप थ्रस्ट। भाई यही आपने टेक्निक सीखनी अलग अलग क्वेश्चन में कि अप थ्रस्ट कैसे, जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है वो कैसे चेंज होती है हर क्वेश्चन में। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है कि यहां पर एक्स्ट्रा जो रिस्टोरिंग फोर्स है ड्यू टू एक्स पोर्शन ऑफ लिक्विड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। एक प्लेटफॉर्म है, एक मैन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऊपर नीचे हो रहा है कुछ ऐसे, मेरा हाथ प्लेटफॉर्म है और ये मैन है, तो देखो मेरा हाथ SHM में पीरियोडिकली ऊपर नीचे मूव कर रहा है। सोचो आप खड़े हैं इसके ऊपर, अब आप खड़े हैं, अगर मैं स्लो मूव करवाऊंगा तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं तेज हो गया तो हो सकता है कि आपके पैर उठ जाएं, उठ सकते हैं, ऑब्वियसली उठा है, देखो ये भी उठा है, तो बहुत तेज होने से ये उठ सकता है। अब हो क्या रहा है, आप जब झूले में बैठते हैं स्पेशली जायंट व्हील या ऐसे झूले जो ऊपर नीचे बहुत तेज होते हैं, ऊपर जाते हुए डर नहीं लगता क्योंकि पैर जो है लगे होते हैं जमीन के साथ, जब नीचे आते हैं फिर पैर उठते जाते हैं, जायंट व्हील के अंदर पैर उठ जाते हैं, या आप अगर कोई वो कोलंबस लेते हैं वो शिप सी, उसमें कोने में बैठ के देखें, उसमें तो बनाया ऐसा होता है कि हल्के हल्के पैर उठते उठते हैं, ठीक। तो बेसिकली हो क्या रहा है, और ये कब उठते हैं, जब आप ऊपर से नीचे गिरते हैं, ऊपर जाते हुए कुछ नहीं होता, नीचे आते हुए तो, और वो भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होते हैं ज्यादा। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझते हैं। देखो ये प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म की मीन पोजीशन है, यहां पर एक्सेलेरेशन क्या होगी, जीरो, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, यहां पर एक्सेलेरेशन क्या होगी, मैक्सिमम। इसके ऊपर मैन खड़ा है, वो कह रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन बताओ मैन का क्या होगा जब वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे होगा, ये प्लेटफॉर्म जो एक्सट्रीम पे होगी इसका नॉर्मल रिएक्शन बता दो क्या होगा। तो एक बात बताओ कि मान लो पहले अपर एक्सट्रीम लेते हैं, अपर एक्सट्रीम पे ये ऊपर एक्सट्रीम जा चुका, अब ये कहां आएगा प्लेटफॉर्म, नीचे, तो कितनी एक्सेलेरेशन के साथ आएगा, मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलेरेशन क्या होती है, मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर। तो सूडो फोर्स मैन पे कहां लगेगी, ऊपर, कितनी, मास इनटू ए
ओमेगा स्क्वायर, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहां पर एन, और वेट क्या है एमजी, तो इक्विलिब्रियम है, मैन तो वहीं खड़ा है, तो एन वन प्लस एम ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, तो एन वन आ गया राइट. कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आप इसके अंदर ओमेगा बताओ प्लेटफॉर्म का क्या होगा, कि मैन ने अपना कॉन्टैक्ट लूज कर दिया, यार जब कॉन्टैक्ट ही लूज कर दिया यहां पर तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया जीरो, तो यहां पर एन वन को जीरो पुट करके यू कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ ओमेगा ऑल्सो, ऐसे क्वेश्चन आता है कॉन्टैक्ट लूज करने वाला, तो इक्वेशन यही है नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर देना राइट एक आंसर. अब लोअर एक्सट्रीम पे चलते हैं, लोअर एक्सट्रीम पे प्लेटफॉर्म कहां आएगा ऊपर, और एक्सट्रीम पोजीशन पर ऊपर आने की एक्सेलरेशन क्या होगी मैक्सिमम, तो मैन खड़ा है, मैन का वेट क्या है एमजी, तो मैन पे सूडो फोर्स कहां लगेगी नीचे, क्योंकि प्लेटफॉर्म कहां रहा है ऊपर, तो कितनी लगेगी मास इनटू प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है n2, तो इक्वेशन क्या बनेगी n2 इज इक्वल टू mg प्लस ma ओमेगा स्क्वायर आंसर. तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज होंगे, नीचे अलग होगा ऊपर अलग होगा, कोई डाउट इसमें? और मीन पोजीशन पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, मीन पोजीशन पर, मीन पे एक्सेलरेशन क्या होती है जीरो, तो सूडो फोर्स मैन एक्सपीरियंस क्या करेगा जीरो, तो नॉर्मल रिएक्शन एन क्या होगा mg, उसको नॉर्मल फील होगा जब भी वो प्लेटफॉर्म मिड पॉइंट पे जाएगा मीन से, उठ कहेगा मैं ठीक हूं अब, लेकिन ऊपर नीचे उसको कुछ डिस्टर्बेंस फील होगी. समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ऑनलाइन क्लियर है? यस. इस क्वेश्चन को पढ़ना प्लीज. देखो क्वेश्चन है, देर आर टू पेंडुलम्स विद अ टाइम पीरियड ऑफ कैपिटल टी एंड दूसरा 5T/4. जैसे पेंडुलम है, एक चक्कर एक पेंडुलम कैपिटल टी टाइम में पूरा करता है और एक थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है 5T/4. ठीक, क्या निकालना है? फेज डिफरेंस बिटवीन टू पेंडुलम्स व्हेन बिगर पेंडुलम हैज कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन. तो एक चक्कर जब पूरा होगा बिगर का, लेट होगा 5T/4, तो उस टाइम छोटे वाला तो एक चक्कर पूरा कवर कर चुका होगा और आगे निकल गया होगा, तो फेज डिफरेंस क्या होगा? अब फेज डिफरेंस में फेज का मतलब क्या होता है एंगल, तो फेज डिफरेंस का मतलब एंगल का डिफरेंस. अब एंगल के डिफरेंस में कई लोग ये समझते हैं कि हम एक पेंडुलम लेते हैं और पेंडुलम में ये वाला एंगल एंगल है ना, ये फेज नहीं होता, बिल्कुल गलत. फिर क्या होता है फेज, फेज क्या होता है फिर, एंगल कौन सा लें? स्टैंडर्ड फेज क्या होता है एसएचएम में, ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में फेज क्या है ओमेगा टी, और ओमेगा टी कहां से आया, जब भी कोई भी बॉडी एसएचएम में है हम उसे कंपेयर करते हैं विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अपने मन में कंपेयर करते हैं, और किसी भी टी टाइम पे जब वो एंगल कवर करता है कितना ओमेगा टी, हम बोलते हैं उसका फेज कवर कितना है ओमेगा टी, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको फेज बोलते हैं. ठीक है यहां तक? अब एक बात बताओ, अगर एक पेंडुलम एक चक्कर पूरा कर गया तो सर्कुलर मोशन में एक सर्कल कंप्लीट हो गया, तो टोटल फेज एक चक्कर का क्या होगा 2π, सेंटर पे एंगल कितना कवर हो जाएगा 2π, एक चक्कर में एक टाइम पीरियड में एंगल कवर्ड इज 2π. क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कैपिटल टी टाइम में एक चक्कर पूरा हुआ तो सेंटर पे फेज कितना कवर हुआ 2π. क्लियर है यहां तक?
तो कैपिटल टी कॉरस्पॉन्ड्स टू 2π, क्या मैं बोल सकता हूं कि जब भी कैपिटल टी टाइम पीरियड होगा तो फेज कितना कवर होगा सर्कल के सेंटर पे? 2π। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब टाइम पीरियड टी है तो फेज, मन में सोचो कितना चल रहा है, 2π, और जब 5t/4 है तो फेज कितना है, 5/4 इंटू कितना, 2π। तो बोलो फेज का डिफरेंस कितना है, फेज का डिफरेंस है 5/4 इंटू 2π माइनस कितना, 2π। तो ये क्या आ गया, फेजेस का डिफरेंस। माइनस करके देखो आंसर क्या आ रहा है, पाई बाय टू चेक करो, आ रहा होगा। ये बेस्ट है, कैपिटल टी देखते ही क्या पुट कर देना है, 2π। तो दोनों का फेजेस निकाल लेने हैं, कैपिटल टी को 2π पुट करके और दोनों को माइनस कर लेना, फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो चेक करो पाई बाय टू आ रहे हैं, ठीक आ रहा है, आ रहा होगा। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं जैसे इसने किया, ये कहता है पहले कैपिटल टी 2π 2π पुट करो फिर माइनस करो। एक काम करो, पहले तुम टाइम को ही माइनस कर लो, तो इनमें टाइम डिफरेंस कितना है, t/4। अपने मन में सोचो कैपिटल टी कॉरस्पॉन्ड्स टू 2π, अपने मन में कैपिटल टी को 2π पुट करो, 2π/4 क्या होता है, पाई बाय टू आंसर। सही है, ये भी सही है, पहले टाइम को माइनस कर लो फिर एंगल में कन्वर्ट कर लो, या पहले एंगल कन्वर्ट कर लो एंगल को माइनस कर लो। समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है आपने फिजिक्स में, ठीक। इस क्वेश्चन को देखें, देखो दो SHMs हैं, एक इसमें है साइन में, एक इसमें है कॉस में। क्या निकालना है मुझे, फेज डिफरेंस। तो मुझे रूल याद आया, क्या रूल याद आया कि एंगल में से एंगल माइनस कर दो फेज डिफरेंस आ जाएगा। पर किसी ने कहा नहीं 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 ऐसे नहीं, मैंने कहा क्यों, वो कहता है या तो दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो, है ना, रूल तो तभी है ना। तो आप कॉस को साइन में कन्वर्ट करो फिर माइनस करो आंसर आएगा। कितने लोग एग्री करते हैं, नहीं कर रहे, क्यों, दोनों साइन साइन कर दूंगा फिर तो माइनस कर सकता हूं कि नहीं, कर सकता हूं, प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है, उसने फेज डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट का पूछा ही नहीं, उसने फेज डिफरेंस किसका पूछा,
अगर वो फेज डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट का पूछता, फिर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करके एंगल में से एंगल माइनस कर देता। अब वो इसने किसका पूछा, वेलोसिटी का, तो क्या करेंगे, पहले वेलोसिटीज निकाल लेंगे। चलो फिर फेज डिफरेंस बाद में बात करते हैं, वेलोसिटीज निकाल लें। ये देखो पहले y1 लिखा, y1 को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगी, तो मैंने डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन में क्या होगा, 0.1 बार आ गया। साइन ऑफ एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस ऑफ एंगल इनटू d बाय dt ऑफ एंगल। तो इसके अंदर क्या होगा, 0.1 cos का cos d by dt of first term, first term में dt by dt क्या होगा 1, constant क्या आएगा 100 pi, बाहर आ गया, और pi by 3 the constant, इसकी differentiation क्या होती है 0। तो calculus का step clear है, तो differentiate करके आपने velocity v1 निकाल ली, पहला step clear। अब दूसरा ये लिखो y2, इसको भी differentiate करो, 0.1 बाहर, cos के differentiation minus sin, d by dt of 100 pi t, तो 100 पाई टी में से dt by dt 1 होता है, 100 पाई क्या आ गया, बाहर आ गया। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये टर्म वेलोसिटी आ गई। अब प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये वेलोसिटी v1 चल रही है cos में, ये किस में चल रही है sin में, माइनस sin में, मेल नहीं खा रहा, या तो दोनों cos cos हो पॉजिटिव, या दोनों sin sin हो पॉजिटिव, एक प्लस एक माइनस वैसे नहीं चलेगा, और ऊपर से cos और sin भी है, तो मैथ्स के लोगों के लिए तो ईजी है, वो माइनस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आप इसे लिखो कॉस ऑफ 90 प्लस 100 पाई टी। ऐसा क्यों, मेडिकल के लोग देखें, कॉस ऑफ 90 प्लस समथिंग, कॉस का क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव, तो पाई बाय 2 का क्या बनेगा साइन, तो देखो माइनस साइन 100 पाई टी। हालांकि मेडिकल वालों को इस टाइप की कॉम्प्लेक्स चीजें थोड़ी सी कम आती हैं, तो ठीक है, तो कम आती हैं, तो इस केस में जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनको, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलस क्वेश्चन मेडिकल में आना मुश्किल है, इतनी बड़ी कैलकुलस 45 क्वेश्चन में कैसे करेंगे, नॉन मेडिकल में तो आ सकता है। तो इसके अंदर ये पॉइंट क्लियर है, अब देखो ये भी कॉस है और ये भी कॉस है, अब कॉस के एंगल में से कॉस के एंगल को क्या कर दिया माइनस, आंसर 5/6। मेथड समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। इस क्वेश्चन को देखें, इफ मैक्सिमम स्पीड कितने लोगों को समझ में आ रहा है, एक बार चेक करें,
ओके देखो, मैक्सिमम स्पीड ऑफ बॉडी इन SHM इज वी मैक्स। कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि तो ओके आ गया। देखो मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स है। मैक्सिमम स्पीड कहां पे होती है? एक्सट्रीम की मीन? नहीं भाई, मीन पे। मीन पे पेंडुलम एक्सट्रीम पे जाके मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन नहीं करता, जीरो करता है, मीन पे। ठीक है, अब एवरेज स्पीड निकालनी है। अब देखो एक पॉइंट को समझो, जब भी मैं एग्जांपल लेता हूँ ना इन एन SHM, तो फिर मैं ना पेंडुलम बना के बैठ जाता हूँ। कई लोग कहते हैं पेंडुलम तो गिवन ही नहीं है। देखो मेरी इच्छा है, SHM में जो मर्जी एग्जांपल लो, आपको स्प्रिंग मास सिस्टम पसंद है आप वो बना लो, आपको वो यूट्यूब में पानी पसंद है वो किसी को पसंद नहीं आता वैसे तो, फ्लोटिंग, तो आप वो बना लो। सबसे बेस्ट मेरे को पेंडुलम लगता है, मैं पेंडुलम बनाता हूँ। तो ये अपनी अपनी इच्छा है, पेंडुलम भूलेगा नहीं, इसे ईजी हो जाता है। तो क्या निकालना है आपको? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला काइनेमेटिक्स से क्या किया था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, स्पीड में डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि एक चक्कर में जाना और आने में डिस्प्लेसमेंट नेट क्या हो जाती है? जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। स्पीड में ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, ए और ए, टोटल कितना हो गया? 4a। और एक चक्कर का टाइम क्या होता है? कैपिटल टी। तो क्लियर है यहां तक? और कैपिटल टी क्या होता है? 2π बाय ओमेगा। ओमेगा ऊपर चला गया, ए ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो इसकी जगह वी मैक्स। आंसर पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर नॉन मेडिकल का क्वेश्चन है, पहले तो मेडिकल का नहीं है, और थोड़े से इसमें करेक्शन भी करवाऊंगा मैं। तो देर आर टू SHM ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, मेडिकल को कब देखना है? अभी दो मिनट बाद देखेंगे कहां से कैच करना है। नॉन मेडिकल वालों को इक्वेशन भी बनानी पड़ती है। तो दो SHM है जिसमें एम्पलीट्यूड ए और ए है, एंड वो कह रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा और टू ओमेगा है, तो ए की ओमेगा, ए की टू ओमेगा। ठीक है, गिवन है। अब वो कह रहा है इफ द इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन टू SHM इज पाई बाय टू। इनिशियल फेज डिफरेंस समझते हो कि एक पेंडुलम पहले चल पड़ा, एक SHM पहले चल पड़ी और दूसरी बाद में चली, और सच दैट अगर मैं कंपेयर करूं दोनों मोशन को विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना आएगा? पाई बाय टू। क्लियर है यहां तक? तो एक x में चल रही है और दूसरी y में चल रही है, तो आपको x और y के बीच में इक्वेशन या रिलेशन बताना है क्या होगा। चार ऑप्शन आपको गिवन होंगे। तो इस क्वेश्चन में आप अगर x की इक्वेशन बनाएं, तो a sin, या y की इक्वेशन बनाएं हम, क्योंकि y एक्सिस सब कुछ लेते हैं, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? a sin 2 ओमेगा t। तो y एक्सिस की इक्वेशन इज a sin 2 ओमेगा t, क्योंकि 2 ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। और x की इक्वेशन में क्या होगा? उसने कहा 2 ओमेगा की जगह क्या लेना है? ओमेगा t। और इनिशियल फेज डिफरेंस क्या लेना है? पाई बाय 2। तो इन दोनों के बीच में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसका जो है वो साइन यानी कि मीन नहीं है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा आगे है। इनिशियल फेज कितना गिवन है? पाई बाय 2। और इनिशियल फेज को हमने 5 से रिप्रेजेंट किया था, जो कि कितनी वैल्यू है इसकी? पाई बाय 2। क्लियर है यहां तक? तो अब इस केस में ये आपके पास x गिवन है, ये आपके पास y गिवन है। तो x की वैल्यू a sin 90 प्लस थीटा, sin ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो cos ओमेगा t की वैल्यू x पे a आ गई। ठीक, आपने क्या करना है? y की वैल्यू गिवन है a sin 2 ओमेगा t, मैथ्स का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला? sin ऑफ 2 थीटा इज 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो 2 sin ओमेगा t इनटू cos ओमेगा t। तो आप इस sin ओमेगा t को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा t का अंडर रूट। अब आपको cos ओमेगा t पता है x by a, जो यहां और यहां पुट करके आपके पास x और y की क्या आ जाएगी? इक्वेशन। नॉन मेडिकल में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज्यादा आने की, मेडिकल में मुश्किल है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लग रही है, फेजेस भी लग रही है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, पर नॉन मेडिकल वालों को समझ में आ रहा है, स्पेशली तब जब ये इक्वेशंस आपको गिवन है x की और y की, और इनमें से कैसे एंगल को एलिमिनेट करके x by a में आपने सब्स्टिट्यूट किया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो कैसे आपने इक्वेशन हिट एंड ट्रायल है, देखो कुछ करना तो है नहीं, क्योंकि आपको इक्वेशन x और y में गिवन है, तो आपको साइन और कॉस फंक्शन को हटाना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली हटा के x और y में रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए, और बहुत ज्यादा आता भी है इस टाइप की प्रॉब्लम, आती भी है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अ मास m इज एग्जीक्यूटिंग SHM। ठीक है, कोई मास है वो SHM में मूव कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? a। सच दैट पोटेंशियल एनर्जी SHM में अल्फा इंटू एक्स की पावर 4 है, जबकि ऐसी एनर्जी का फॉर्मूला हमने किया नहीं। वो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नया ही बना रहा है, अल्फा इंटू एक्स की पावर 4। आपको एक्स बताना है,
जब पोटेंशियल एनर्जी 1/3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है। प्रॉब्लम ये है कि पोटेंशियल एनर्जी तो मुझे गिवन है, काइनेटिक तो गिवन नहीं है। एक काम करो, पोटेंशियल एनर्जी लिखो, इसमें एक्स को एम्पलीट्यूड पुट कर दो, तो एम्पलीट्यूड पुट करते ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आ गई, पोटेंशियल मुझे गिवन है, तो काइनेटिक क्या होगी, टोटल माइनस पोटेंशियल। तो टोटल मुझे पता है, पोटेंशियल मुझे पता है, काइनेटिक आ गई, और मुझे क्या गिवन है, पोटेंशियल इज 1/3 इनटू काइनेटिक, पोटेंशियल पता है, काइनेटिक पता है, सॉल्व करके एक्स आ गया। तो क्या सही टेक्निक है ना, अगर पोटेंशियल गिवन है, एक्स को ए पुट करके टोटल आ गई, टोटल में से पोटेंशियल माइनस करके काइनेटिक आ गई, आंसर आ गया। पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मार्क करो, पढ़ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, गिवन कैपिटल एम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है, वो कह रहा है कैपिटल एम स्प्रिंग मास सिस्टम है और एसएचएम में है। स्मॉल एम इज जेंटली प्लेस्ड ऑन कैपिटल एम, स्मॉल एम को कैपिटल एम के ऊपर रख दिया, और कहां पे रखा, ऑन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज मीन पोजीशन, जिस पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। जेंटली प्लेस किया ताकि झटका ना लगे, और जब जेंटली प्लेस करते हैं तो नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 v1 एंड m2 v2 एप्लीकेबल है। चलो नहीं भी याद तो सीख लो कि जब भी कोई चलते हुए मास के ऊपर एक और मास रख दिया तो m1 v1 m2 v2 एप्लीकेबल है, और ये कहां पे रखा, एट इट्स मीन पोजीशन। वो कह रहे अगर ये अकेला कैपिटल m घूम रहा था तो एम्पलीट्यूड a था, और अगर m के ऊपर छोटा m रख दें तो नया एम्पलीट्यूड क्या होगा ये बताओ, क्योंकि दो मास इकट्ठे घूम रहे हैं तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज। तो रूल नंबर 1, मीन पोजीशन पर जब कैपिटल एम अकेला घूम रहा था तो उसकी वेलोसिटी वी मैक्स थी, और जब कैपिटल एम के ऊपर स्मॉल एम रख दिया वहीं पर तो मास बढ़ गया और वेलोसिटी मैक्स क्या होगी, वी मैक्स डैश। m1 v1 इज m2 v2, ये स्टेप क्लियर है, पहले मास कैपिटल एम था, अब मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो पहले वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा, पहले एम्पलीट्यूड ए था और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, अब क्या हो गया, ये ए डैश हो गया, ओमेगा डैश हो गया, क्लियर है यहां तक, दोनों चीजें चेंज हो गई। ओमेगा क्या था, ओमेगा का मतलब जब मास सिर्फ कैपिटल एम था तो ओमेगा क्या है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, और जब कैपिटल एम के ऊपर स्मॉल एम रख दिया तो ओमेगा डैश क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम प्लस एम। तो इस ओमेगा और ओमेगा डैश को यहां और यहां आपने क्या किया, पुट कर दिया। तो जब यहां पुट किया तो स्क्वेयरिंग कर देना, ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इनको स्क्वेयरिंग करना, अंडर रूट हटेगा, सॉल्व करके क्या आएगा, ए डैश आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना, स्क्वेयरिंग करके हो जाएगा। पर मेथड समझ में आ रहा है, जब भी एक मास मूव कर रहा होगा मीन पोजीशन पे एक और मास रखा जाएगा तो m1 v1 m2 v2 एप्लीकेबल है इसमें, ठीक है था? तो पहला रूल वो लगाना है, फिर ओमेगा की वैल्यूज पुट करनी है, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में इंपॉर्टेंट। ये देखो ये क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, देखो जो एनसीईआरटी के पेपर है स्कूल लेवल वैसे नहीं आते, एनसीईआरटी जो हमने पहले दो लेक्चर में की थी ना डेरिवेशंस की, फिर उसके एनर्जी के न्यूमेरिकल थे, बेसिक एसएल की बुक करते हो आप, बिल्कुल वैसे ही करना है आपने, स्कूल लेवल वही करना है,
ये सारी शीट जितनी भी हैं ये सब कंपटीशन की शीट्स हैं। इसको स्कूल के लिए चाहे मतलब आप ठीक है रीडिंग मार सकते हो इजी क्वेश्चंस को, बट आप बहुत ज़्यादा ऐसा पेपर आता नहीं है। हाँ कॉम्पिटिशन में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, राइट। तो इसमें एक मान लो एक कैरेज है, एक कैरेज स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, तो जब ये स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा तो कैरेज की एक्सेलरेशन क्या होगी, जी साइन थीटा, नीचे आ रहा है। अंदर पड़ा हुआ था एक पेंडुलम, एक पेंडुलम लटकता हुआ नीचे था, पर हुआ क्या जब ये कैरेज नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी साइन थीटा, तो पेंडुलम पे क्या लगी, सूडो फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये कैरेज नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स की एक्सेलरेशन कहां लगेगी, पीछे, कितनी, जी साइन थीटा। तो क्वेश्चन है इस पेंडुलम का नया टाइम पीरियड बोलो क्या होगा। वैसे टाइम पीरियड क्या होता है, अगर ये कैरेज रेस्ट पे है t is equal to 2 by root l by g, पर यहां पर क्या हो रहा है, g चेंज हो जाएगा, g की जगह क्या होएगा, g डैश l, तो चेंज होगा नहीं, तो नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल दें। ऐसा कैसे, देखो यहां पर अब दो एक्सेलरेशन ऐड कर रही है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐड कर रही है और एक सूडो फोर्स की एक्सेलरेशन भी ऐड कर रही है। तो अगर मैं ये पूछूं कि इसके ऊपर नेट एक्सेलरेशन क्या है, तो आप इन दोनों का क्या लोगे, वेक्टर सम। अब वेक्टर सम में दोनों वेक्टर्स में एंगल क्या है, ये थीटा तो ये थीटा तो ये 90, तो कितना बना, 90 प्लस थीटा, तो क्या बनेगा आंसर, अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस जी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 × g × g sin θ इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज कितना, 90 प्लस थीटा। अब मैथ्स में कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉल्व करके क्या आ गया, जी डैश आ गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इंटू कॉस थीटा सिंप्लीफाई करके, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी डैश, और जी डैश की जगह क्या पुट करेंगे, जी कॉस थीटा। तो मेथड समझ में आया कि हाउ टू कैलकुलेट नेट एक्सेलरेशन, वेक्टर सम से आ जाएगा आंसर, ठीक। ये नहीं किया अभी हमने, ये देखो क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, एक पुली है, एक पुली के ऊपर क्या गिवन है, एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और यहां पर एक स्ट्रिंग है और एक मास है। सिंपल है, आपने इस मास को थोड़ा नीचे डिस्प्लेस किया बाय डिस्टेंस ऑफ y, नीचे y किया तो स्प्रिंग एक्सपैंड हो जाएगा। देखो पुली जो है स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, आप नीचे जोर लगाएंगे स्प्रिंग एक्सपैंड हो जाएगा, तो आपने छोड़ दिया मास m को, तो ये झूलेगा ऐसे ऊपर नीचे स्प्रिंग पूरा सिस्टम। तो इसका टाइम पीरियड बोलो क्या होगा इस सेक्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर ये वाई डिस्टेंस नीचे आया और यहां पर टेंशन टी है, तो लॉज ऑफ मोशन याद करो, हमने लॉज ऑफ मोशन किया था जिसमें क्या किया था कि अगर ये टी है तो यहां पर टेंशन क्या होती है, डबल, टू टी होती है, और अगर ये वाई डिस्टेंस नीचे गया तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई बाय टू, हमने लॉज ऑफ मोशन में किया था। अब स्प्रिंग की फोर्स टू टी है, के वाई बाय टू, स्प्रिंग की फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के इन टू वाई बाय टू, एक्सपेंशन स्प्रिंग की कितनी है, y by 2, तो यहां से t की वैल्यू आ गई, टेंशन फोर्स है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से एक्सेलरेशन आ गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर y आ गया, कंपेयर करके ओमेगा आ गया, ओमेगा 2 पाई बाय t से टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। मेन रूल वही था लॉज ऑफ मोशन से कि अगर y है तो ऊपर y by 2 हो जाएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। इस क्वेश्चन को देखें, हमने ये तो क्वेश्चन किया कि अगर मान लो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 cos ओमेगा t प्लस 4 sin ओमेगा t हो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। याद करो फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था कि जैसे मान लो कोई भी SHM को ऐसे लिखा जाए, 3 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस 4 इंटू साइन ऑफ ओमेगा t, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, एक शॉर्टकट करवाया था, cos के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस साइन के कोफिशियंट का स्क्वायर, आंसर 5 आया था, याद करो। अब प्रॉब्लम ये है, वो कह रहा है कि अब SHM तीन इक्वेशन तीन फंक्शंस की बनी हुई है, पहला दूसरा और तीसरा तीनों को ऐड कर दो, तो ये तो कोई शॉर्टकट नहीं करवाया, दो इक्वेशंस को ऐड करना तो सिखाया, तीन को कराया ही नहीं। तो कह रहा है एम्पलीट्यूड बोलो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन क्या अगर एम्पलीट्यूड 2 है, सेकेंड का 4 है, थर्ड का 6 है, तो जब तीन इक्वेशन गिवन हो तो कैसे सॉल्व करना है इसको देखें। पहले फर्स्ट ने, फर्स्ट का एम्पलीट्यूड लें कितना है 2, एक वेक्टर ड्रॉ करें, तो एम्पलीट्यूड इज अ वेक्टर, 2 वेक्टर ड्रॉ कर दे, कर दिया। जो सेकंड है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, 4। अब 4 में ध्यान से देखें, इसका जो एंगल है 4 वाले का, वो इस एंगल से कितना आगे है, पाई बाय 6, यानी कि 30 डिग्री, तो इसके वेक्टर से 30 डिग्री ऊपर आ जाएं, आगे का मतलब 30 डिग्री आगे,
और अगर ये माइनस होता तो 30 डिग्री नीचे, तो 30 डिग्री आगे आ जाए और एक वेक्टर ड्रॉ करें जिसका एम्पलीट्यूड क्या है 4, फिर इसका एम्पलीट्यूड 6 है 6 है, और वो इससे ये रेफरेंस पॉइंट है इस एंगल से कितना आगे है बाय एन एंगल ऑफ 60, तो इसी वेक्टर से 60 डिग्री आगे आ जाओ जिसका वेक्टर क्या ड्रॉ करेंगे 6। समझ में आ रहा है, सारा रेफरेंस पॉइंट यही है, इससे 30 डिग्री आगे, इससे 60 डिग्री आगे, तो तीन वेक्टर बन गए, क्वेश्चन वेक्टर का तैयार हो गया। तीन वेक्टर्स हैं, आपको नेट वेक्टर निकालना है, तो आप 4 का कंपोनेंट लें 4 cos 30 4 sin 30, 6 का कंपोनेंट लें 6 cos 60 6 sin 60, ये देखो ये 2 है 4 का कंपोनेंट 6 का कंपोनेंट, अब ये इनको ऐड करके एक वेक्टर, इनको ऐड करके ये वेक्टर, दोनों के बीच में वेक्टर में एंगल 90, तो नेट वेक्टर क्या होगा, इसका वेक्टर का सम प्लस इस वेक्टर का सम आंसर आएगा, तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, वेक्टर की प्रॉब्लम है, मतलब आगे की प्रॉब्लम वेक्टर्स की है, SHM की नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया, SHM का काम सिर्फ इतना था, उसके बाद वेक्टर सम लगा के आंसर आएगा। और कोई पूछ ले जो नेट एम्पलीट्यूड है वो एंगल क्या बना रहा है फाई, तो ले लेना टेन फाइव इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड, अब ये साइड तो सेम है, ये साइड ये रही, tan phi का फॉर्मूला लगा के आंसर, वैसे tan phi पूछा नहीं जाता, नेट एम्पलीट्यूड ही पूछा जाता है, पर मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे वेक्टर सम आपको कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड्स का। ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन देखो, ये ओनली फॉर कंपटीशन, ये नई टाइप की वैरायटी है क्वेश्चन की, ये नहीं हमने की। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और एक मास है, एक स्प्रिंग है और एक मास है, जो मास है ना अगर वो स्लाइड हो रहा हो आगे पीछे, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट एम बाई के, बात खत्म। इसने क्या किया, एक स्प्रिंग लिया, एक स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से इसके सेंटर से कहीं बांध दिया ऐसे, और ये एक स्फेयर ले लिया जो रोल कर सकता है। अब स्प्रिंग आगे पीछे जाएगा, स्फेयर रोल करता हुआ आगे, रोल करता हुआ पीछे, रोल करता हुआ आगे, रोल करता हुआ पीछे। क्लियर है यहां तक, आगे पीछे जा रहा है, डिस्क भी हो सकती है, स्फेयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी, कुछ भी हो सकता है। टेक्निक एक ही है, क्या टेक्निक है कि जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आए, जब एक स्प्रिंग के साथ दूसरी बॉडी रोल कर रही हो, तो आप सबसे पहले ये अज्यूम करें कि मान लो ये आगे चला गया और स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया बाय एक्स, तो स्प्रिंग में किसी भी इंस्टेंट पे एनर्जी क्या डेवलप हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, और बॉडी रोल कर रही है तो रोलिंग के अंदर एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हमने किया था रोटेशनल मोशन में, ये रोल करते हुए एनर्जी होती है, और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसी भी स्फेयर के लिए क्या होता है 2/5, अगर डिस्क होगा तो हाफ फुट कर देंगे, डिपेंडिंग क्या बॉडी है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये एनर्जी आ जाएगी किसी भी इंस्टेंट पर। अब ये किसी भी इंस्टेंट पर एनर्जी आ गई दोनों स्प्रिंग और इस स्फेरिकल बॉडी की, तो टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम की कांस्टेंट रहती है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी एनर्जी जो कि कांस्टेंट है इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे और इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। जीरो क्यों करेंगे, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है जीरो, तो इसको डिफरेंशिएट टाइम के साथ करके इक्वल टू जीरो। तो इस e को पूरे के पूरे e को उठा के यहां पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हाफ के बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन इज 2 इनटू एक्स इनटू dx बाय dt, और यहां पर 7/10 m, और इसकी डिफरेंशिएशन 2 इनटू v सेंटर ऑफ मास इनटू dv बाय dt। कैलकुलस लगाएंगे इसमें, अब dx बाय dt क्या होता है v, और dv बाय dt क्या होता है a, v और v जीरो से कट जाएगा, सॉल्व करके ये टर्म आएगी, सॉल्व करके एक्सेलेरेशन आएगी, SHM की इक्वेशन ओमेगा 2π/T टाइम पीरियड। मेन बात ये नहीं है, ये तो मैथ्स वाले आपको कैलकुलस में सिखाई देंगे प्लस टू में, और मेडिकल वालों को इतनी इस टाइप की प्रॉब्लम थोड़ी कम आती है जिसमें थोड़ा कैलकुलस ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो NCERT में तो आती नहीं। तो टेक्निक है कि एक स्प्रिंग के साथ कोई बॉडी रोल कर रही हो तो आप उसमें रिस्टोरिंग फोर्स ना निकाल लें, आप ऐसे सिस्टम में टोटल एनर्जी निकाल लें, और टोटल एनर्जी के बाद इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें, अपने आप वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन आ जाएंगी, वेलोसिटी कट जाएगी, अपने आप रिस्टोरिंग एक्सेलेरेशन आ जाएगी, वहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैलकुलस की चिंता ना करें, कैलकुलस वैसे इतना समझ में आता है आपको, तो प्लस टू के अंदर काफी मास्टरी हो जाती है कैलकुलस की, तो ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट रहते नहीं आपके लिए, टेक्निक इंपॉर्टेंट है, मेडिकल में इतना बड़ा क्वेश्चन आता है नहीं। ठीक,
नॉर्मल मेडिकल में बहुत आसान पेपर आता है, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, सिंगल लाइन, बहुत ही दो दो लाइनर क्वेश्चन आते हैं, आप पुराने पेपर खोल के देखेंगे आपको मज़ा ही आ जाएगा। मतलब अब तक तो हो गया मेडिकल, आप मतलब ये तो बोनस चल रहा है मेडिकल वालों का टोटल। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो नॉन मेडिकल का कोई बोनस नहीं है, ये तो आए हुए क्वेश्चन है। लो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी के नॉट इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी गिवन है, गिवन है। प्रूव कर, मैंने प्रूव लिखा, वैसे चार ऑप्शंस गिवन होंगी पेपर में, ये मेंस आया हुआ क्वेश्चन है, नीट भी आ सकते हैं आज की, तो बड़ी बात नहीं है। तो आपको इसमें ये चार ऑप्शंस गिवन होंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को मार्क करना है। ठीक है, तो ये साफ पता लग रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए साइन ओमेगा टी की फॉर्म में है, तो मुझे क्या ढूंढना होगा इसमें? एम्पलीट्यूड, तो आंसर आ जाएगा। और एम्पलीट्यूड के नॉट के टर्म में ढूंढना है। एक काम करो, वाई क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी, ऐसे तो मुझे ए ढूंढना है। काइनेटिक एनर्जी हमें ये गिवन है, पर हमें मालूम है कि हमने जो काइनेटिक एनर्जी की है वो क्या की? ये की है। और वाई की वैल्यू क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो चेक करो, ये हमें काइनेटिक गिवन है, हमारी काइनेटिक ये आ गई, इसे कंपेयर करो, कंपेयर करके ये क्या आ गया? के नॉट। ये पूरे का पूरा क्या आ गया? के नॉट। एक हमने निकाल ली काइनेटिक, एक गिवन है, कंपेयर करके कि के नॉट आ गया, के नॉट से सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम्पलीट्यूड आ गया, बस आंसर आ गया। एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी में ए पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, डन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की और कंपेयर करके उसमें के नॉट निकाल दिया। ठीक है यहां तक? अब इस क्वेश्चन में मैं आपको मेथड तो सिखा रहा हूं, पर आपको जरूरत नहीं है इसकी, आप एंड में सिर्फ आंसर याद करेंगे। बहुत आता है पेपर में, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में सीधा आंसर मार्क करने को आता है, पर मेथड बता देता हूं। क्या पूछ रहा है? गिवन पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम में इसके इक्वल है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल है, आपको एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्या होगी? आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि जब आपकी जो जब कोई भी बॉडी मोशन में होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? चेंज होगी। जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हर इंस्टेंट पर चेंज होगी, तो पेंडुलम यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा और फिर वापस जाएगा, तो आपको एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बतानी है क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक, आपको एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बतानी है क्या होगी। तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको वाई पता है ए साइन ओमेगा टी, पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, वाई को पुट कर दो, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो आपको अगर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है, जो भी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको इंटीग्रेट करना है टाइम के साथ 0 से t तक, क्योंकि एक चक्कर कैपिटल टी टाइम का होता है, मेडिकल वाले कुछ नहीं करेंगे। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इसके इक्वल है, पूरी वैल्यू को उठा के यहां पुट करना है और इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो ये एवरेज पोटेंशियल एनर्जी आएगी जो कि सॉल्व करके आएगी, नोट करो ये, सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लो, कैलकुलस के स्टेप्स नॉन मेडिकल वाले प्लस टू में देख लेंगे, चाहिए भी नहीं वैसे, पर फिर भी देख उनको दिक्कत नहीं आएगी, और मेडिकल में तो चाहिए ही नहीं। ये आएगा सीधा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, तो आंसर इज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये बॉक्स में डालो, इंपॉर्टेंट है, ये आएगा पेपर में, मार्क करने को आएगा। और ऐसे ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली क्या रहता है? सेम, नोट करो, ये भी बॉक्स में डालो, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम। मैंने आपको ये भी बताया था, ये भी पेपर में आता है कि टाइम पीरियड अगर डिस्प्लेसमेंट का कैपिटल टी है तो टाइम पीरियड पोटेंशियल और काइनेटिक का क्या होता था? T/2। एक वो याद करना है, T/2, और एक एवरेज पोटेंशियल और एवरेज काइनेटिक याद रखनी है, बस। प्रूफ आपसे कोई पूछेगा नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं आप। ठीक, अगर मान लो दो मासेज हैं, एक छोटा एम एक बड़ा एम, ऐसे, और एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, अब एक स्प्रिंग दो मास, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? लास्ट टाइम किया था, टी इज इक्वल टू 2π√μ/k, म्यू वॉज रिड्यूस्ड मास, m1 m2/m1+m2, तो ये हमने लास्ट टाइम किया था। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक,
देखो एक प्रॉब्लम है SHM की, हमने ऑलरेडी की हुई है, ये भी वो टेंशन है, ये भी की हुई है। क्या की हुई है कि अगर आपके पास एक अर्थ है, अर्थ के अंदर कोई डायमीटर के अलोंग टनल डिक कर दे और एक बॉल को घेर दे, तो बॉल सेंटर के अबाउट कैसे मूव करेगी इन SHM। क्या हुआ है, एप्लीकेशन NCERT की थी और उसका टाइम पीरियड निकाल लो, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, हम एक बार फिर से कर रहे हैं। वो मेथड अलग था, थोड़ा इजी मेथड था, ये भी इजी है बट मेथड थोड़ा डिफरेंट है। मान लो आपकी बॉल किसी भी इंस्टेंट पर m डिस्टेंस पे है, तो सेंटर से उसकी दूरी कितनी है y, तो रिस्टोरिंग फोर्स हम क्या लेते हैं, जो अर्थ फोर्स लगाएगी वही रिस्टोरिंग फोर्स है। तो y डिस्टेंस पे इस बॉल पे अर्थ फोर्स लगाएगी क्या, माइनस जी, बॉल का मास स्मॉल m, अर्थ का मास टोटल नहीं लेना, जब आपकी बॉल अंदर जा चुकी है तो सिर्फ इतना अर्थ का मास लेना है जो कि कितना है m डैश, और डिस्टेंस बिटवीन बॉल एंड सेंटर क्या है y का स्क्वायर। तो ग्रेविटेशन याद है हमने किया था, मास वो लेना होता है जहां पर आप खड़े हुए हैं, तो m डैश मास लेना है, टोटल मास नहीं लेना, कोई डाउट इसमें। तो अब फोर्स क्या होता है, बॉल का मास, जो फोर्स होगी मास इनटू एक्सेलरेशन, बॉल का मास कट गया तो एक्सेलरेशन आ गई, उस m डैश मास की वैल्यू कैसे निकलेगी जिसका रेडियस y है। आप एक काम करें, वॉल्यूम वाइज मास डिस्ट्रीब्यूटेड अर्थ का, तो ये क्या लिया मैंने, अर्थ का टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा, तो अर्थ का मास अपॉन वॉल्यूम है और हमारा वॉल्यूम इतना है m डैश का, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली m डैश आ गया। क्लियर है यहां तक, इस m डैश को यहां से निकाल के यहां पुट कर दिया, तो सॉल्व किया ये टर्म आ गई, वाई स्क्वायर वाई क्यूब कैंसिल, तो ये टर्म आ गई, SHM हो गया, SHM की इक्वेशन लिख के ओमेगा आ गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई, इसको आगे कंटिन्यू करना ये भी लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल जीएम का मतलब ग्रेविटेशन में क्या होता था स्मॉल जी, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो ओमेगा क्या आएगा अंडर रूट ऑफ जी बाय आर, और ओमेगा क्या होता है 2π/T, तो टाइम पीरियड आएगा 2π अंडर रूट ऑफ आर बाय जी, वही आंसर है जो हमने किया था। तो आप कहोगे हमने करना है, मत करो, तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब NCERT वाले ना दो लाइन में खत्म करते हैं डेरिवेशन, आंसर तो सेम ही आ रहा है, फिर मैंने क्यों की, खत्म होगी, आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कॉन्सेप्ट समझो। तो आपको सीधा ऑब्जेक्टिव आएगा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ क्या होगा अगर बॉल को अर्थ के अंदर डाल दिया डायमेट्रिकली टनल में, तो आंसर आएगा 2π√r/g, ठीक है यहाँ तक, या ओमेगा आ जाएगा मार्क करने को, तो ओमेगा मार्क कर लेना, प्रूफ थोड़े ना आएगा कोई, NCERT में तो मैंने करवाई दिया, प्रूफ आएगा तो कैसे करना है, ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें, क्योंकि क्वेश्चन तो ये है ही नहीं, क्वेश्चन जो आया वो तो कुछ और आया, क्वेश्चन तो ये आया कि खोदने वालों को कहा था कि टनल डायमेट्रिकली ऑपोजिट खोदना, उन्होंने कैसे खोद दी, कॉर्ड खोद दी, जो टनल है डायमेट्रिकली दी नहीं पेपर में, वो तो कॉर्ड बना दी, तो USA का सपना खराब हो गया यार, इंडिया से USA नहीं पहुंचेंगे, किसी और कंट्री में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब कहते हैं इसमें बॉल डाल दी, अब जब बॉल यहां से नीचे गिरी मूव कैसे करेगी, कौन खींचेगा बॉल को, अर्थ का सेंटर, तो ये अर्थ का सेंटर है, तो बॉल को ये देखो ये फोर्स लगी, अब बॉल चिपक गई इस टनल के साथ दीवार के साथ, अब मिट्टी के अंदर थोड़ा एंटर करेगी, यहां गई फोर्स का एक, अगर ये थीटा ये 90 ट्रायंगल ड्रॉ करो तो 90 माइनस थीटा, तो फोर्स का एक कंपोनेंट यहां चला गया f इनटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, जिससे कि बॉल अब कहां गई, इस तरफ गई, तो बॉल के ऊपर जो फोर्स चिपक चिपक के गई इस बॉल के साथ, ठीक, जाना तो सेंटर की तरफ जाती है पर जा नहीं पा रही ना, तो यहां यहां जा रही है, तो इतनी फोर्स से जा रही है f डैश, ठीक है यहां तक, और f डैश क्या होगा f इनटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, जैसे यहां पर पहुंची इसको क्रॉस कर गई, अब सेंटर यहां पर है, सेंटर ने यहां खींच लिया, तो एक कंपोनेंट यहां बनेगा, सेम डायग्राम यहां बनेगा विद ऑपोजिट साइन, तो बॉल वापस आई, तो इस सेंटर सी डैश को मानते हुए बॉल कैसे घूम रही है आगे पीछे, तो प्रूफ करो ये SHM में, उसका टाइम पीरियड निकाल लो क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो एक ही फर्क है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स एफ नहीं है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स एफ इंटू कॉस ऑफ
90 माइनस थीटा विद नेगेटिव साइन, बस ठीक हो गया पहला स्टेप। और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन। फोर्स तो आपको पिछले क्वेश्चन में सेम ही निकाल रखी है, आप वाई डिस्टेंस में है तो फोर्स इधर भी तो वाई डिस्टेंस में ही है, ये देखो ये भी तो वाई है और मान लो ये एक्स है, तो अगर ये वाई डिस्टेंस पे आप खड़े हैं अर्थ के सेंटर से तो फोर्स की वैल्यू सेम जी अर्थ का एम डैश मास इंटू बॉल का मास बाय वाई स्क्वायर। अब एम डैश तो और साइन थीटा इस ट्राइंगल में क्या होगा, एक्स अपॉन वाई, तो साइन थीटा की जगह एक्स बाय वाई। एम डैश आप वो अभी निकाला था मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम करके, इस एम डैश को यहाँ पुट कर लो, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, कंपेयर करो एस एच एम के साथ तो ये आंसर आएगा। और आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं याद करना, क्यों, क्योंकि आपका आंसर एग्जैक्टली क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आपने ऑब्जेक्टिव के अंदर कहना है फर्क ही कुछ नहीं पड़ता, टाइम पीरियड इस केस में भी क्या रहेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाय g, सब दिखाने के लिए बताया कि देखा सेम आया, आपको ऑब्जेक्टिव आएगा पता होना चाहिए कि सेम आएगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक, एनसीईआरटी में आएगा नहीं है पर हाँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि किस तरीके से कैसे सोच रहे हैं आपने इसमें, ठीक है। तो आंसर ऑब्जेक्टिव में आएगा, सेम मार्क कर देना, ठीक है। क्वेश्चन एक्स गिवन है, चेक करो, एक्स गिवन है और आपको साथ में क्या गिवन है, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। कोई कहता है यार ये पाई बाय ओमेगा क्या तरीका है टाइम देने का, ठीक कर लो, ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाय कैपिटल टी, पाई से पाई कैंसल, आंसर टी बाय टू। तो जीरो से कैपिटल टी बाय टू, एक्चुअल में तो जीरो से कैपिटल टी बाय टू में बॉडी मूव कर रही है तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बतानी है क्या होगी। तो रूल नंबर वन, जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है ध्यान देना, तो एक्स में यहां पर ना टाइम को जीरो पुट करना, जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ साइन ऑफ पाई बाय सिक्स 30 डिग्री जो कि क्या होता है हाफ, तो एक्स क्या आ गया ए बाय टू, एक्स ए बाय टू आ गया, क्लियर है यहां तक। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू कितनी है ए बाय टू, कोई डाउट इसमें। एट टाइम टी बाय टू तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो, पाई बाय ओमेगा का मतलब क्या होता है कैपिटल t by 2, तो आप small t को put करो capital t by 2, omega क्या होता है 2 pi by capital t cancel, 2 cancel pi, sin of 180 plus theta, 180 plus something, कौन सा quadrant है, second, second में sin positive होता है, तो sin of क्या आएगा pi by 6, तो नहीं sorry third quadrant है, third quadrant में sin क्या होता है negative, क्योंकि pi 180 plus something, तो आंसर नेगेटिव में आएगा और साइन ऑफ 30 डिग्रीज हाफ। तो आपको ये पता लगा बस अभी तक कि t इज इक्वल टू जीरो पे बॉडी कहां पर थी a बाई टू पे, और कैपिटल t बाई टू पे बॉडी कहां पर है माइनस a बाई टू पे, और इक्वेशन किसमें गिवन है साइन में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी बॉडी साइन में है ना, यहां से नहीं, ये क्रॉस कर दो यहां से, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो बॉडी यहां से चली, साइन फंक्शन है तो बॉडी को राइट जाना पड़ेगा, कॉस होता तो लेफ्ट चलती, फर्स्ट लेक्चर में किया था। तो बॉडी एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो ए बाय टू पे है, और एट टाइम कैपिटल t बाय टू पे कहां पर है माइनस ए बाय टू, इसका मतलब बॉडी पहले राइट गई होगी फिर बॉडी घूम के लेफ्ट आई होगी, ये पॉइंट क्लियर है, ये क्रॉस कर देना, इतनी लाइन नहीं है, ठीक है यहां तक। अब आपको क्या निकालना है, और ऐसा कितनी देर में हुआ, जीरो से लेके कैपिटल टी बाई टू में हुआ, तो बोलो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ध्यान से देखो, इधर से इधर जाने का मतलब ए बाई टू, वापिस आने का मतलब ए बाई टू, इधर का मतलब ए बाई टू, इधर का मतलब ए बाई टू, चार बार ए बाई टू हो गया, एक दो तीन चार, ये लो, और टोटल टाइम कैपिटल टी बाई टू लिखो या पाई बाय ओमेगा एक ही बात है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड आंसर। और एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है तो वेलोसिटी में क्या लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, इधर जाना और वापस आना आपस में कैंसिल, तो क्या बचा ए बाय टू और ए बाय टू, ए और टोटल टाइम कितना पाई बाय ओमेगा,
तो पॉइंट समझ में आ रहा है, टिपिकल कॉम्पिटिशन क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, वो सब कुछ चेक कर रहा है, आपकी जो साइन इक्वेशन चेक हो गई, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सब उसने चेक कर दिया। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ये क्वेश्चन फॉर नॉन मेडिकल, लेकिन मिलता जुलता छोटा क्वेश्चन मेडिकल को आ सकता है। बस फर्क ये होगा कि नॉन मेडिकल वालों को कैलकुलस थोड़ा ज्यादा यूज करना है, मेडिकल में छोटा सा एक स्टेप करवा देंगे। कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियल एनर्जी, और जो कि क्या गिवन है, यू नॉट इंटू वन माइनस कॉस ऑफ सी एक्स, सी इज अ कॉन्स्टेंट। ये ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन में ब्रैकेट और सी आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग समझते हैं डबल ब्रैकेट है, नहीं वो सी कॉन्स्टेंट है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड बोलना है क्या है। अब देखो, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या ढूंढनी पड़ती है, रिस्टोरिंग फोर्स। हमने वर्क पर एनर्जी किया था, कंजर्वेटिव फोर्सेज में स्प्रिंग मास सिस्टम कंजर्वेटिव फोर्स है, उसमें फोर्स और एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट था, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो यू को यहां पुट करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बस मैथ्स में ये स्टेप ज्यादा है और नीट वालों को एक ही लाइन में डिफरेंशिएशन हो जाएगी बस। तो नॉन मेडिकल वाले देख लें, यू नॉट कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो, कॉस की क्या है, माइनस साइन ऑफ सी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, माइनस 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 यू नॉट साइन ऑफ सी एक्स, सी कॉन्स्टेंट है, डी एक्स बाई डी एक्स इज वन। तो ये आपके पास टर्म आ गई। साइन ऑफ सी एक्स, एंगल जब छोटे होते हैं मैथ्स में, साइन ऑफ सी एक्स कैन बी रिटन एज सी एक्स, एंगल इटसेल्फ। तो यहां पर आ जाएगा सी एक्स, तो ये एक्सेलरेशन, एसएचएम की इक्वेशन, ओमेगा, ओमेगा से टाइम पीरियड, मेडिकल में नहीं आएगा, लिख लो, नॉन मेडिकल नहीं आएगा, नॉन मेडिकल में आएगा पक्का। ठीक है, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना बस कॉन्सेप्ट सीखें, क्योंकि प्लस टू में नॉन मेडिकल वालों को कैलकुलस में तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन ना आए, इससे मुश्किल है, मतलब एनसीईआरटी की प्रॉब्लम इससे मुश्किल है प्लस टू की, इतना कैलकुलस करवा देंगे आपको, तो ये आपका डर निकाल देंगे। तो इसलिए आपको तो एक ही स्टेप देखना होता है नॉन मेडिकल वालों को, फोर्स कैसे निकलेगी बस, तो उसके बाद तो वो अपने आप ही निकाल लेंगे, राइट। तो मेडिकल में नहीं आएगा, मेडिकल में सिंगल लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, ये आ सकते हैं मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में। ये तो मेंस में आया हुआ है, रादर दो स्प्रिंग्स हैं और एक रॉड है, दो स्प्रिंग्स हैं और एक रॉड है, इक्विलिब्रियम में है। आप गए, आपने इसको ना घुमा दिया, ऐसे आपने इसको घुमा दिया और छोड़ दिया, अब क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे एंगुलर एसएचएम, एंगल लास्ट टाइम किया था, तो उसका टाइम पीरियड बोलो क्या होगा। तो जब आप इसकी रोटेशन मोशन का क्वेश्चन है, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। तो रूल नंबर वन, जब आपने इसको ऊपर खींचा y ऊपर, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी, नीचे के y। अगर ये ऊपर गया, स्प्रिंग इधर y गया, तो इधर से भी y नीचे आया, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां, ऊपर। तो लेंथ ऑफ द रॉड क्या है, l/2 l/2, और मान लो एंगल थीटा थीटा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2। इसका रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2। तो माइनस साइन लगा दिया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स क्या होता है, और तो ये टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है, आई टाइम्स अल्फा। अब क्योंकि ये रॉड है, तो आई क्या होगा इसमें, एम एल स्क्वायर बाय 12, एक्सिस सेंटर से पास कर रहा, तो एम एल स्क्वायर बाय 12, तो क्या आ गया, अल्फा थीटा का रिलेशन। तो एंगुलर एसएचएम हो गया, इक्वेशन लिखें, ओमेगा के साथ कंपेयर करें, ओमेगा 2 पाई बाय टी, टाइम पीरियड आ गया। तो आज की बात, इस टाइप की रोटेशन की जब इक्वेशन देखेंगे पेपर में, समझ में आएगा कि रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? बस यही प्रैक्टिस है, हम कुछ नहीं कर रहे पिछले दो लेक्चर से, हम हर क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी का कर रहे हैं, और हम प्रैक्टिस ये देख रहे हैं कि अगर इस टाइप की वैरायटी आती है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे निकलेगी, अगर एनर्जी आती है तो कैसे करना है। तो इन टाइप की प्रॉब्लम को प्रैक्टिस ही हैंडल किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है?